गर्मियों की छुट्टियां आ गई थी, कविता की बोर्ड की परीक्षा खत्म हो गई थी। उसकी माँ शारदा अक्सर बीमार रहती थी। बोर्ड की परीक्षा में भी पापा ही उसको स्कूल छोड़ने और लेने जाते थे। हर साल तो छुट्टियों में भी कोई ना कोई क्लास या कोचिंग हो जाती थी, पर इस बार उसने पहले ही माँ से कह दिया था कि इस बार वो कोई क्लास नहीं करेगी। इस बार उसको छुट्टियों में कहीं घूमने जाना है। घर में कोई दूसरे भाई बहन तो नहीं थे। वो जब अपनी सहेलियों को अपने भाई या बहन के साथ लड़ते झगड़ते या खेलते देखती थी तो उसकी भी इच्छा होती थी कि काश उसका भी कोई भाई या बहन होता। माँ से जब भी कुछ कहती, माँ उसको टाल देती थी। पापा ने कहा, चलो तुम लोगों को इस बार पिथौरागढ़ लेकर चलता हूँ। बहुत सुंदर जगह है। मैं एक बार ऑफिस के काम से गया था। बड़ी ही शांत जगह है। कविता ने कहा, ये कौन सी घूमने की जगह है पापा? चलना ही है तो शिमला, मसूरी या दार्जिलिंग चलिए। पापा ने कहा, नहीं, वहाँ इन दिनों बहुत ही भीड़ भाड़ होती है। पिथौरागढ़ में मेरे एक मित्र का गेस्ट हाउस भी है, वहीं ठहरेंगे। पापा ने एक हफ्ते की छुट्टी ले ली थी। उन्होंने सोचा एक हफ्ते चलकर पिथौरागढ़ में घूमेंगे। उसके बाद कविता को उसकी दादी के पास गांव छोड़कर वापस आ जाएंगे। दादू और दादी भी खुश हो जाएंगी। जाने से पहले उसके पापा ने माँ को हिदायत दी कि अपनी सारी दवाइयाँ याद से ले लेना। पिथौरागढ़ के रास्ते में कविता को बहुत आनंद आया। उसने कभी पहाड़ नहीं देखे थे। टेढ़े मेढ़े रास्ते पर कई बार तो उसकी सांस ही टंग जाती। वो डर कर आंखें बंद करके माँ के कंधों से चिपक जाती। ऐसा लगता था कि गाड़ी अभी किसी खाई में गिर जाएगी। पर जैसे ही आंखें खोलती, सामने लंबे लंबे चीड़ और देवदार के वृक्ष की कतारें उसका मन मोह लेती। वहां वो दिन भर तितलियों की तरह इधर से उधर फुदकती फिरती। पहाड़ों को देखते देखते उसका मन ही नहीं भर रहा था। वहां के रहने वाले पहाड़ी गोल मटोल सामान बेचने बच्चों से उसने बहुत से रसीले फल भी खरीद डाले, कभी किन्नू, कभी रस भरे आलू बुखारे। वो लोग जिस गेस्ट हाउस में रुके थे वहां से पहाड़ दिखाई पड़ रहा था। सुबह वो जल्दी ही उठ जाती और सूरज की पहली किरणों को जब बर्फीले पहाड़ों पर पड़ते हुए देखती तो ऐसा लगता पहाड़ सोने से नहा उठे हैं। कभी कभी तो वो आंखें बंद करके उन खूबसूरत लम्हों को जीवन भर के लिए कैद कर लेना चाहती थी। एक दिन शाम को वो लोग पहले ही घूम रहे थे, तब किसी ने बताया कि थोड़ा ही नीचे घाटी में जाने पर वहां एक पार्क है। वो तीनों भी चले गए। वहां काफी रौनक थी। उसकी माँ थक कर एक पत्थर पर बैठ गई। कविता की नजर जैसे ही आसमान की तरफ गई, वो बोली, पापा यहाँ तो कितने चमकीले तारे हैं। ऐसा लगता है जैसे मम्मी की आसमानी साड़ी पर ढेरों सितारे टांग दिए हो ना। मेरा दिल चाह रहा है उन्हें हाथ बढ़ाकर छू लूं। मम्मी ने मुस्कुरान के साथ कविता के चेहरे की तरफ देखा और बोली, तुम तो कविता करने लगे बेटो। कविता को तो पिथौरागढ़ से लौटकर आने का मन ही नहीं हो रहा था। बहुत सारी यादों को समेटे वो लोग दादी के यहाँ गए। उसकी बातें ही खत्म नहीं हो रही थी। वहां जाकर मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने कहा, अधिक भागम भाग की वजह से तबीयत खराब हुई है। इनको आराम की सख्त जरूरत है। पापा की छुट्टियां खत्म होने वाली थी, इसीलिए वो चले गए। माँ की बीमारी की वजह से वो उदास रहने लगी। फिर उसे गांव में अच्छा लगने लगा। शीला घर के कामों में दादी की मदद करती थी। वो दादी के पास बचपन से ही रहती थी, इसीलिए उसके साथ कविता का भी मन लग गया। गांव में लाइट की आंख मिचोली की वजह से सब लोग छत पर ही सोते थे। शाम को ही दादी शीला को छत पर भेजकर पानी गिरवा देती। वो भी शीला की मदद करती। जब पानी सूख जाता तो दोनों मिलकर वहां बिस्तर लगा देती।
वो आराम से लेट जाती और चारों तरफ फैले आसमान में जड़े सितारे देखती रहती। जब दादी खाने के लिए आवाज देती तब वो अनमनी सी खड़ी होती और नीचे जाकर दादी दादू के साथ खाना खाती। गांव के अपने बगीचे के दशहरी आम खाकर वो निहाल हो उठती। वो कहती, दादू अब तो मैं हर साल छुट्टियों में गांव जरूर आऊंगी। यहाँ के जैसा तारों भरा आसमान और दशहरी आम मैंने शहर में कभी नहीं देखा। अरे हम लोग तो हमेशा तुम लोगों की राह देखते रहते हैं, पर तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारी माँ की सेहत और पापा की नौकरी की वजह से ज्यादा कुछ नहीं कह पाते। दादी को सारे घर का काम खत्म करने में वो भी मदद कर देती। फिर सब छत पर सोने चले जाते, माँ तो नीचे ही सोती। सब थके होने के कारण जल्दी सो जाते। एक दिन वो यूं ही टकटकी लगाए आसमान में देख रही थी, तभी एक सितारा टूटकर नीचे की तरफ गिरने लगा। वो उठ गई और छत की मुंडेर पर आकर उस टूटे सितारे को देखने लगी। अचानक एक नन्ही सी चमकती हुई कोई चीज उसके नजदीक आकर गिर पड़ी। उसने झट से उसे उठा लिया। वो एकदम ठंडा था। मैं इसको हमेशा अपने पास ही रखूंगी। तभी वो चमकती पत्थर जैसी चीज ने कहा, कविता मैं आसमान से टूटा हुआ सितारा हूँ। अब मैं आसमान में कभी नहीं जा सकता। तुम आसमान में टकटकी लगाए क्या देखती रहती हो? वो खुश होकर बोली, अरे तुम तो बोल भी सकते हो। मैंने जब से पिथौरागढ़ में सितारों से भरा नीला आसमान देखा है तब से मुझे सितारे देखना बहुत अच्छा लगता है। तुम मेरे दोस्त बनोगे? मैं तो तुमसे दोस्ती करने ही आया था, लेकिन तुम तो कुछ दिनों में शहर चली जाओगी। हाँ मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी, चलोगे ना? हाँ चलूंगा, पर शहर जाकर तुम तो अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो जाओगी, मैं क्या करूंगा? मुझसे बातें करना। सितारा चुप हो गया। मैं तुम्हें अपनी तकिया के नीचे रख दूंगी, सुबह बात करेंगे। सुबह वो उठी तो सभी लोग नीचे जा चुके। किसी का मजाक नहीं बनाओगी, तब तक मैं तुम्हारे पास रहूंगा, लेकिन जिस दिन तुम्हारे कारण
किसी को कोई तकलीफ होगी मुझे उसी दिन जाना होगा। कविता ने कहा, मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगी। तभी दादू ने कविता को आवाज दी, अरे कविता तुम्हारे पापा का तार आया है, तुमने अपने स्कूल में टॉप किया है। वो खुशी के मारे मम्मी से लिपट गई। उसकी मम्मी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, मैं तो उस समय भी बिस्तर में ही थी, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाई, फिर भी तुम स्कूल में सबसे अच्छे नंबर ले आई। कविता समझ गई थी कि ये जादुई सितारे का ही जादू है। वे लोग वापस शहर आ गए। कविता पढ़ लिख कर आईएएस ऑफिसर बन गई। उसने बहुत नाम कमाया, लेकिन जादुई सितारे ने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा।